कह रहा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कैसे बोलोगे? कह रहा अगर सारे पॉइंट स्कैटर डायग्राम के फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, कह रहा अगर पॉजिटिव स्लोप के साथ वो स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं तो कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली पॉजिटिव। बेटा कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, याद रहेगी बात? कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, तो परफेक्टली पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? आर इक्वल टू पॉजिटिव वन। देख बेटा कैसे बना हुआ, ये एक्स के वेरिएबल, ये वाई के वेरिएबल, मैं यहां पर बता देता हूं, वहां से पहले से बना हुआ है, सेम ही बनाऊंगा, अलग नहीं बनाऊंगा। पॉजिटिव में क्या बोला है, इस तरीके से लाइन एक बनी हुई है और इसी के ऊपर वो डॉटेड बना हुआ है, मतलब जो भी पेयर बने हुए हैं, क्लियर? तो इफ ऑल द पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं, मतलब जब तुम डायग्राम बना रहे हो तो वो इस नीचे से ऊपर जा रहा है, समझ आ रही है बात बेटा? यस सर। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा, मतलब दिल की धड़कने नहीं बन रही है उसकी, तो इसको क्या बोलेंगे? सो ऑन परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। डन बेटा, खुशी समझ आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या? परफेक्टली नेगेटिव। कह रहा इफ ऑल पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। बेटा नेगेटिव स्लोप किस तरफ बनता नहीं तू? सर लेफ्ट हैंड साइड। यस, यहां से ऐसे आता नेगेटिव, क्लियर? यस सर। तो कहानी सेम, उसको आर इक्वल टू माइनस वन बन जाएगा, कब? जब ऐसे होगा, तो मतलब एक्स ज्यादा वाई ज्यादा एक्स कम, क्लियर? Yes. उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। मेरा फोन दे दो मेरे पास बेटा, एक सेकंड रुक जा, प्रियंका का मैसेज आ रहा शायद। देखो बेटा नेक्स्ट, तो बेटा जब क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम जब बनेगा तो उसमें आपको बताना है ये परफेक्टली, मतलब तब ये नेगेटिव कोरिलेशन है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्लियर? क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा? पॉजिटिव। बेटा ऊपर वाला था बिल्कुल पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। तो परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली में क्या होगा बेटा? आर इक्वल टू प्लस वन, मतलब फॉल ऑन स्ट्रेट लाइन, और परफेक्टली नेगेटिव में क्या होगा? आर इक्वल टू माइनस वन, फॉल ऑन स्ट्रेट लाइन इन अ नेगेटिव स्लोप, क्लियर? अब पॉजिटिव स्लोप कह रहा है व्हेन ऑल द पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम क्लस्टर अराउंड, क्लस्टर का मतलब समझते हो? घेर लेना, क्लियर? यस सर। एक सेकंड बेटा, क्लस्टर का मतलब झुंड में घेर लेना, तो झुंड बन जाते हैं जब, तो कह रहा अगर वो ऐसी स्ट्रेट लाइन को घेर लेते हैं गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट में जाते जाते घेर लेते हैं, तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, क्लियर? बेटा नीतू मुझे बता, अगर तू ऐसे फंसेगी ज्यादा मार खाएगी या ऐसे फंसेगी ज्यादा मार खाएगी? सर कैसे? जैसे ये डायग्राम देख रही है? यस सर। इसमें देख रही क्या है? एक बंदा ऐसे फंसा पड़ा है और उसके बिल्कुल बिच बिच के लोग खड़े हैं, और ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ थोड़े दूर दूर खड़े हैं, तो ज्यादा मार खाने के चांस किसमें? इसमें कि इसमें? हाई डिग्री इसमें, मतलब जिसमें ज्यादा घिरावट है, क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर किसी भी पॉजिटिव स्लोप, ये देखो पॉजिटिव ही है ना, कह रहा पॉजिटिव स्लोप में क्या हो रहा है, वो क्लस्टर बना ले रहा है, मतलब उसको बिल्कुल बिल्कुल आसपास घेर ले रहा है। देखो एक्चुअल में ऐसे बन रहा है ये डायग्राम, तो बेटा समझ जाना वो हाई डिग्री है, और लो डिग्री क्या है? जब गैप इनका थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, समझ आ गई बेटा मेरी बात?
यस सर। अब बेटा देखो ये सब चीजें मैं क्यों समझा रहा हूँ, तुम बोलोगे सर ये अजीब सी बातें कैसे आएगी एग्जाम में, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम में एक डाटा दे दिया गया, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो एक्स वाई 10, 20, 25, 28 किस तरीके से बना हुआ, तो आप डायग्राम बनाओगे। मान लेते हैं ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, तुमने बोला 10, 20 बिल्कुल ओके है, फिर तुमने बोला 20, 25 फिर क्या हो गया 30, 28। तो ऐसे ही मान लो कोई पॉइंट आता है नीचे आ रहा है, ऐसे करके पॉइंट आ रहा है, ऐसे कोई पॉइंट आ रहा है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये जो डॉटेड बनेगा आपको देखना वो लो डिग्री है कि हाई डिग्री है। तो अगर ऐसी कोई लो डिग्री हाई डिग्री आप, आपको वहां पर बताना है कि ये स्कैटर डायग्राम लो वाला है कि हाई वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा नेगेटिव क्या होगा, अब तो समझ गया बेटा नेगेटिव क्या होगा। व्हेन ऑल द पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, वही चिपक चिपक के रहेंगे तो हाई डिग्री, दूर दूर रहेंगे तो लो डिग्री। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे नो कोरिलेशन, दोनों में कोई रिश्ता ही ना हो, मतलब जो मर्जी जहां मर्जी पॉइंट आ जाए। कह रहे इफ द पॉइंट आर स्कैटर्ड इन हाफ जेड मैनर दैट इन केस ऑफ जीरो और कोरिलेशन, मतलब किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट स्कैटर, गेट बंद कर, कह रहा है इफ द पॉइंट स्कैटर इन हाफ जेड मैनर, मतलब कि कह सकते हो कोई रिश्ता ही नहीं है इनके बीच में, जहां मर्जी जो मर्जी पॉइंट आ रहा है। तो ऐसे केस का अगर कोई रिलेशन बनेगा तो समझ जाना उसको कहेंगे जीरो रिलेशन। क्लियर? मैन नो रिलेशन, को रिलेशन डन। यस सर। तो बेटा मैं यहां पर एक चीज बना रहा हूं, मुझे बताओ एक सेकंड, खुल जा भाई। एक सेकंड बैठ रहा हूं। बड़ा स्क्रीन दिख रही है? यस सर। पहला क्वेश्चन खुशी से है, खुशी है कौन सा स्कैटर डायग्राम है सर? पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन। लड़की ये पॉजिटिव है ऐसे? नीतू ये कौन सा है? परफेक्ट नेगेटिव। बेटा क्या नाम है, खुशी बेटा पॉजिटिव ऐसे होता है, नेगेटिव ऐसे होता है, याद रहेगी बात सर। तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव स्लोप में आ रहा है बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? यस। इसका मतलब आर इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट नीतू बताइयो। क्या ये नीतू नेगेटिव है सर? कौन सा वाला नेगेटिव? लो डिग्री। लो डिग्री क्योंकि गैप दूरी पे है, तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन।
अगला क्वेश्चन, खुशी यस सर, क्या ये पॉजिटिव हाई डिग्री? पॉजिटिव हाई डिग्री, यस, ऐसा लिख सकता हूँ, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या हो गए? डन, यस सर, यस, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा प्रैक्टिकल स्केल डायग्राम यहां पर देखना बेटा, एक्स कितना है, कह रहा है मेक स्कैटर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा स्टेट टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड, मतलब आपको बताना भी है किस टाइप का है। एक्स 10, वाई 70, 20, 140, 30, 210। दृष्टि नहीं बेटा, तो बेटा मैं यहां बना रहा हूं आपको, एग्जाम्पल वन है ये, एक दो तीन चार पांच हो जाएगा, तो यहां लिखा है 70 की टेबल लिखी है, 70, 140, 210, 280, 350 और 420, 70, 140, 210, 280, 350 और 420, यहां कितना, 10 से लेकर 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, स्वतः 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब बेटा पॉइंट आता है कि हमें पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। Yes. कैसे पता लगाए? देखो बेटा हमने फटाफट से क्वेश्चन देखा, लिखा हुआ है 10 पे 70, तो 10 पे 70 टिक कर दिया, 20 पे 140 फटाफट गए टिक कर दिया, 30 पे 210 फटाफट गए टिक कर दिया, 40 पे 280 फटाफट गए टिक कर दिया, और 50 पे गए 350 टिक कर दिया। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। अब जैसे हमने इसको मैच करा तो इससे क्या पता लग गया, ये बेटा कैसा डायग्राम है? परफेक्टली पॉजिटिव। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ आई बेटा मेरी बात? यस सर। नेगेटिव या पॉजिटिव स्लोप डिपेंड करेगा तुम्हारे पॉइंट्स के ऊपर। अगर लेफ्ट टू राइट जाता है कोई भी नंबर तो समझ जाना वो पॉजिटिव है, और राइट टू लेफ्ट आता है समझ जाना नेगेटिव है। क्लियर? यस सर, यस सर। समझ आ गया बेटा? यस सर, सर। बेटा देखो यहाँ पर लिख दिया, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम दैट देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वैल्यूज ऑफ सीरीज एक्स एंड वाई। ये पूरी सीरीज है, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पर वाई आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बेटा फटाफट से आप लोग मुझे ये वाला बना के दिखाओ और बताओ कैसा डायग्राम है, जल्दी से ये बनाओ फटाफट, मुझे बताओ कैसा है।
सर लो डिग्री पॉजिटिव होगा. लो डिग्री पॉजिटिव. यस सर. यस. तो इसमें इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और कोई बताया नहीं है. तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया, लो डिग्री पॉजिटिव. समझ आ गई बेटा खुशी? Yes. आगे बढ़े. यस सर. खुशी हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरे कॉपी पेंसिल ऊपर थी, मैं ऊपर से लाई तो बना दिया. कुछ नहीं. क्या कह रही कॉपी? क्या कह रही तू? लड़की बिना कॉपी किताब के बैठी है क्या? सर नहीं, बारिश हो रही थी ना तो मैं नीचे ही बैठ गया ऊपर. चल ठीक है. देख तो बेटा देख यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ बता देता हूँ. कह रहा 15-7, तो 15-7 ये रहा. तो मतलब लगभग ये अगर खींचो लाइन तो ये एक लाइन ऐसे करीब जा रही है, दिख रहा होगा गैप जो है थोड़ा दूर दूर है. तो इसको क्या बोलेंगे? लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. आगे बढ़े. यस सर. कह रहा मैरिट और डीमेरिट क्या है इसके? मैरिट क्या है? सिंपल है बनाने में. कह रहा है इट इज सिंपल है नॉन मैथमेटिकल मैथड. बेटा कोई इसमें मैथ लगाने की जरूरत पड़ी तुम लोगों को? प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ी? नहीं सर. नहीं पड़ी, इसलिए सिंपल है. दूसरा इजीली अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझ आने वाला है. तुमने जैसे ही देख, अब तो तुम देख के बता दे रहे हो कि भैया पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसा कोरिलेशन है. और एक ही डायग्राम में सारी बातें समझ आती कि दोनों में कैसा रिश्ता है. दूसरा नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम. कह रहा है ज्यादा आइटम के लिए ये ज्यादा आइटम को इफेक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें मैथमेटिकल की कमी है. देखो बेटा ये स्कैटर डायग्राम वही अप्लाई होगा जहां पर डाटा कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डाटा होता है ना तो हम अगले मेथड पे चले जाते हैं. इसका नाम है कार्पियरशन. समझ आ रही है बात? यस. साइज पे डिपेंड करता है. लिखा ना इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू. ज्यादा वैल्यू के साइज के लिए नहीं है ये. वेयर एज मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल मेथड लैक दिस क्वांटिटी क्वालिटी. मेथड लैक दिस क्वालिटी. कह रहा है इस क्वालिटी में मैथमेटिकल का जो है वो अलग ही चला जाता है. इस वजह से इसके अंदर बड़े साइज के डाटा को नहीं उठाता. फर्स्ट स्टेप, इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. कह रहा है स्कैटर डायग्राम पहला स्टेप है जहां पर तुम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जान सकते हो. अब साफ पता लग गया भैया डीमेरिट क्या है. पहला तो है नॉन मैथमेटिकल मेथड, इसे मैथ्स की आती नहीं है. ये एक रफ मेजर है बेटा, ये रफ मेजर होता है. मतलब रफली दिमाग में आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों का रिश्ता होता है. बड़े ऑब्जर्वेशन के लिए अनसुटेबल है. अभी हमने पढ़ा कि भैया बड़ा आइटम होगा तो हम क्या करेंगे, मेथड चेंज कर लेंगे. क्लियर? यस सर. ये था इसका मेरिट और डीमेरिट. तो बेटा ये स्कार डायग्राम का बना हुआ है मेरिट डीमेरिट डायग्रामेटिक फॉर्म पे.